नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पता है कि फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों आज मैं आपसे कुछ ऐसी स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और जो हमें काफ़ी अच्छी डील पर इस सेल के अंदर मिल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हर कोई सोचता है कि जब भी कोई फ्लिपकार्ट या अमेजन के ऊपर सेल आएगी तो वो अपने लिए एक उसमें से अच्छा फ़ोन खरीदेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि जो फ़ोन दोस्तों हमें 10 से 15 हज़ार रेंज में मिलते हैं, 15 हज़ार रेंज में वो फ़ोन दोस्तों हमारे सेल के अंदर काफ़ी कम कीमत में मिल जाते हैं। तो दोस्तों वैसे ही कुछ स्मार्टफोन में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपके लिए आपके प्राइस के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और जो भी फ़ोन आपके बजट के अंडर हो, क्योंकि मैं आपको इस सेल में, इस वीडियो में दोस्तों हर बजट के फ़ोन दिखाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो जो फ़ोन आपको अच्छा लगे, आपके बजट में अच्छा लगे, वो फ़ोन आप ले सकते हो। क्योंकि मैं सिर्फ वही फ़ोन बताऊंगा जो आपको बजट के हिसाब से हो और दोस्तों जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हों। क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ वही फ़ोन बताने वाला हूं जो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है और अच्छे दोस्तों ऑफर के साथ आते हैं और अच्छे उनमें जो फीचर हैं वो उनके साथ मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन के ऊपर और मैं आपसे सिर्फ उन्हीं फ़ोन के बारे में बात करूँगा जो मुझे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगते हैं। दोस्तों सबसे पहले फ़ोन की बात करूँ मैं, दोस्तों ये है दोस्तों रियलमी का 9i 5G। दोस्तों ये फ़ोन अगर आप कैश में पेमेंट करते हो इसका, तो दोस्तों ये मोबाइल आपको काफ़ी कम कीमत में पड़ सकता है। इसका 4GB 64GB वाला वेरियंट आपको मिल रहा है सेल के अंदर 14,450 रुपये का, ये देखिए। बट अगर आप इसका पेमेंट करते हो दोस्तों ऑनलाइन एक बार में ही, मतलब एक बार में पेमेंट करते हो, कोई भी इसमें EMI वगैरह नहीं लेते, तो ये फ़ोन देखिए आपको कितने का पड़ सकता है। मैं आपको ऑफर दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपको इसमें 1500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। प्लस दोस्तों आपको इसके ऊपर अलग से डिस्काउंट और मिलता है, देखिए 2500 रुपये का डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन मिलता है। तो आपको इस पर जो डिस्काउंट मिलेगा 2500 प्लस 1500 रुपये का जो अलग मिलेगा, तो 4000 रुपये दोस्तों आपको ये कम हो गए। प्लस दोस्तों आपके पास अगर सुपर कॉन हैं तो आप उसमें 1000 तक सुपर कॉन ऐड कर सकते हो। तो ये फ़ोन आपको 10,773 रुपये के समथिंग का पड़ सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी डील है। दोस्तों मैं आपको साथ में प्राइस भी दिखा रहा हूँ जिससे आप बाद में ये ना कहो कि आप इतने का बताते हो इतने का नहीं है। दोस्तों दूसरी डील की बात करूँ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इस सेल के अंदर, दोस्तों वो है पोको M4 Pro, ये देखिए AMOLED डिस्प्ले वाला। दोस्तों इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी प्राइस मिलती है, ये भी दोस्तों आपको 10,000, ये देखिए 9,748 का समथिंग पड़ सकता है सारे ऑफ़र लगाने के बाद। अब ऑफ़र आप चेक कर लेना, क्योंकि अगर मैं सारे फ़ोन के ऑफर आपको दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 9,700 का पड़ सकता है और दोस्तों सेम ऑफ़र उसी तरीके से लगाने हैं जैसे मैंने अभी रियलमी के 9i में आपको बताए हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों हमें फुल HD डिस्प्ले मिलती है AMOLED डिस्प्ले के साथ। प्लस दोस्तों इसमें स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, डुअल स्पीकर, और ये एक 4G फ़ोन है बट इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप इसकी तरफ भी देख सकते हो। दोस्तों आईफोन वाले जो हैं उनको दोस्तों आईफोन अगर लेना ही है तो दोस्तों आईफोन जो 12 है आप उसकी तरफ जा सकते हो, आईफोन 12 की तरफ। क्योंकि दोस्तों आईफोन 12 इसमें मिल रहा है आपको 38,000 समथिंग ऑफर लगाने के बाद। दोस्तों अगली डील की बात करूं, दोस्तों मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा कि आपको मैं स्टार्टिंग से ऊपर ले जाऊं, मैं मुझे जो देखेगा मैं उसी के बारे में बताऊंगा। आप अपने आप सेलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सा फ़ोन इसमें सेलेक्ट करना है। दोस्तों अगर आपको सैमसंग का डिवाइस चाहिए तो ये देखिए मैं आपको सैमसंग की तरफ ले चलता हूँ, क्योंकि सैमसंग का दोस्तों एक डिवाइस काफ़ी अच्छा मिल रहा है मुझे सेल के अंदर काफ़ी कम प्राइस में। दोस्तों ये है वो दोस्तों सैमसंग F23 5G, दोस्तों एक 5G फ़ोन है। इसकी दोस्तों प्राइस की बात करूँ तो दोस्तों इसका स्टार्टिंग वाले वेरियंट जो हमें 4G वाला मिलता है, ये देखिए वो मिल रहा है 12,500 रुपये का। बट अगर आप इस पर डिस्काउंट वगैरह लगा देते हो तो ये फ़ोन सिर्फ आपको 10,998 का मिल सकता है सारे ऑफर लगाने के बाद। दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं दी गई बट ये एक फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है। प्लस इसके अंदर जो प्रोसेसर है दोस्तों वो है स्नैपड्रैगन का 750G, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। प्लस दोस्तों इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी दी गई है। बट दोस्तों इसकी दिक्कत की बात करूँ तो वो सिर्फ ये है कि इसके बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ डाटा केबल मिलती है, डबल टाइप सी वाली, दोनों तरफ टाइप सी होती है। इसके अंदर आपको चार्जर नहीं मिलता, तो उसको आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। और दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉयड 12 और वन UI 4.1 का स्टार्टिंग से ही सपोर्ट मिलता है, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे और भी ज़्यादा एंड्रॉयड अपडेट मिलेंगे 3 से 4 साल तक।
तो ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जिनको एक 5G और सैमसंग का फ़ोन चाहिए। प्लस दोस्तों इसके अंदर दोस्तों देखिए गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है और 120Hz का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। इसमें 4GB रैम है दोस्तों बेस वेरियंट में, बट इसमें रैम ऐड करने का ऑप्शन आता है, तो रैम के लिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि 4GB। और दोस्तों ये देखिए 4+128 जो हमारी मेमोरी है फ़ोन की वो काफ़ी ज़्यादा दी गई है, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। अब दोस्तों एक कर्री डील की बात करूँ जिससे दोस्तों मैं आपको वीडियो ये दिखा रहा हूँ, वो है दोस्तों सैमसंग S22 Plus। क्योंकि दोस्तों ये जो फ़ोन है ये है 60,000 रुपये का ऑफ़र लगाने के बाद, ये देखिए सॉरी दोस्तों ऑफ़र के ऑफ़र लगाने के बाद दोस्तों ये आपको 57 का मिल जाएगा सारे ऑफ़र लगाने के बाद। और दोस्तों ये मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये देखिए, जिसमें मैं आपको मोबाइल दिखा रहा हूँ वो S22 Plus ही है, ये देखिए जिससे मैं आपको वीडियो बना के ये दिखा रहा हूँ। तो मैंने तो काफ़ी महंगा लिया था बट अभी ये 57 का मिल रहा है। तो जिनको दोस्तों सैमसंग का एक फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए जो काफ़ी अच्छी कैटेगरी में आता है, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले काफ़ी अच्छे फीचर के साथ आता है, तो वो लोग इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों मैं तो बोलूँगा आप इसके वाइट कलर के लिए जाएँ, बट दोस्तों अभी आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, जल्दी स्टॉक में आ जाएगा क्योंकि वाइट कलर में दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे पास ही वाइट कलर है इसका, पर मैंने तो काफ़ी सेल से पहले ले लिया था ये, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये, तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो। इसका 8GB और 128GB वाला वेरियंट आपको 57,000 समथिंग पड़ सकता है अगर आप इसका पेमेंट कैश में करते हो सारे ऑफर लगाने के बाद। अब दोस्तों सैमसंग का ये एक और फ़ोन है सैमसंग गलेक्सी S21 FE 5G। दोस्तों जी आपको इस सेल में 34 का मिल रहा है बट जी आपको 31 समथिंग मिल जाएगा दोस्तों, देखिए जब आप इसका पेमेंट कैश में करोगे तो जी 32 का समथिंग आपको मिल जाएगा। प्लस इसमें आप सुपर कॉइन वगैरह भी लगा सकते हो अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा है तो, ये देखिए अगर आपके पास सुपर कॉइन काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं तो आप इसमें 31,500 रुपये तक का सुपर कॉइन लगा सकते हो, सिर्फ आपको पेमेंट करना होगा 3,499, क्योंकि तो सुपर कॉइन लोग जब हम शॉपिंग करते हैं तो काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये 4-5 जो फ़ोन है जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस सेल के अंदर, वैसे फ़ोन इसमें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, बहुत फ़ोन है, बट मुझे दोस्तों जो बेस्ट बेस्ट लग रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए Nothing Phone 1 जो हमें काफ़ी महंगा मिल रहा था बट अभी जी आपको 24,000 समथिंग मिल जाएगा, आप इसी तरफ भी जा सकते हो। और दोस्तों अगर आपको वीवो का एक सस्ती कैटेगरी में फ़ोन चाहिए 5G में तो दोस्तों आप इसी तरफ भी दे सकते हो Vivo T1 5G, ये भी आपको 12,500 का समथिंग मिल जाएगा इसका बेस्ट वेरियंट, तो आप इसकी तरफ भी देख सकते हो। दोस्तों ये 4-5 फ़ोन है, वैसे तो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा है, अगर मैं बहुत सबके बारे में बताऊँगा वीडियो हो जाएगी काफ़ी बड़ी, तो ये जो फ़ोन बताए हैं आप इन तरफ दे सकते हो। इसमें मैंने हर कैटेगरी के फ़ोन सेलेक्ट कर दिए हैं, 10,000 रुपये वाले, 15,000 वाले दोस्तों, और 30,000 वाले, और 50,000 प्लस दोस्तों 60,000 तक के। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और आप इनमें से कौन सा फ़ोन खरीद रहे हो और कौन सा फ़ोन दोस्तों और है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया जो आपको काफ़ी अच्छा लगा, आप मुझे नीचे कमेंट करके दोनों के बारे में बता सकते हो, फ़ोन के बारे में भी कौन सा फ़ोन आपको बेस्ट लगा और कौन सा फ़ोन आप इस सेल से खरीद रहे हो, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको इनमें से कौन सा फ़ोन अपने लिए लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वो सारे ही फ़ोन बताए हैं जो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक दोस्तों जो भी अलग अलग प्राइस होती है उन सब में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि कौन सा फ़ोन आपके लिए आपके प्राइस के अकॉर्डिंग बेटर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल लगूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों ये है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल के ऑफर, तो काफ़ी लोग दोस्तों कमेंट करते हैं कि इसमें अमेजन के फ़ोन नहीं बताए उसमें तो ये मिल जाता, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ अमेजन सेल फ्लिपकार्ट सेल के ऑफर हैं, अमेजन को दोस्तों मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।